नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 72। मैं रविंद्र राजपूत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं आर्य समाज बैजनाथ पारा का एक बहुत ही विख्यात केंद्र। इसकी इकाई कमल विहार में भी है। आज यहां पर नए पदाधिकारियों का सम्मान, बाहर से आए महर्षियों का सम्मान और भी अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे साथ समाज के इस केंद्र के प्रधान श्री लक्ष्मी नारायण वर्मा महतो जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार आपका सर। धन्यवाद। ये बताइए कि अगर परिभाषित करें आर्य समाज को, क्या है आर्य समाज? स्वामी महर्षि दयानंद आर्य के बताए हुए रास्ते में चलकर हमारा हिंदू धर्म का प्रचार, वेद का प्रचार और लोगों जन भावना में हिंदू धर्म का प्रचार करना है, आगे बढ़ाना है। साथ ही योग को भी महत्वपूर्ण योगदान समझते हुए उसे भी आगे बढ़ाना है। आर्य समाज की भूमिका कैसे रहती है समाज में? अगर हम क्योंकि आज की आधुनिकता को देखें तो युवा पीढ़ी हमेशा आधुनिकता में जाता है, तो युवा पीढ़ी को कैसे आर्य समाज में आधुनिकीकरण में वैदिक योग ये सब कैसे प्रेरित करेंगे आप? हम लोग उसी का प्रयास कर रहे हैं, ये उसका पहली कड़ी है। पहले लोगों को आर्य समाज में इस प्रकार का कार्यक्रम होता था, उसकी जानकारी नहीं होती थी। अब हम लोग इसीलिए प्रचार प्रसार ज़्यादा हो और आज के युवा वर्ग के लोग अपने आर्य समाज में जुड़कर धर्म की ओर अपना योगदान दे, धर्म के लिए इसके लिए प्रयास करेंगे। महतो जी, अगर हम बात करें आर्य समाज की एक कार्यशाला, जैसे कि योग होता है, यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, तो इस चीज़ को अगर सार अगर दैनिक जीवन में अगर लाएं तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? लोगों की जो एक सोच रहती है वो कैसी रहती है? सबसे पहले तो यज्ञ करने से आदमी निरोग हो जाता है और दूसरी फायदा ये है, इसका दूसरी लाभ ये है कि आदमी के विचार धर्म की ओर झुकाव होता है और अपना विचार भी बदल जाता है। आदमी किसी के प्रति दुर्भावना रखना नहीं सोच सकता, इसका फायदा ये है। अगर हम बात करें आज के विषय की, तो आज अगर सम्मान समारोह में कैसा कैसे लोग आए हैं, कहां से आए हैं, ये सब की बड़ी जानकारी? हमारे बीच बहुत धर्मशास्त्री आर्य समाज के विद्वान आए हैं, हरिपुर उड़ीसा से हैं, गुरुकुल अमसेना से और अपना भिलाई आर्य समाज से, यहाँ टाटीबन से पधारे हुए हैं। सभी जगह जी। आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण समय रहेगा, आप प्रधान भी हैं विनय जी, कैसे देखते हैं समय को? नहीं, अपन चुनौती को स्वीकार करते हुए आर्य समाज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, वेद का ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, शिक्षा की वही प्रचार प्रसार हो हमारे आर्य समाज के माध्यम से, ऐसा प्रयास करेंगे। अगर 2 मिनट में अगर हम कहें समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं आर्य समाज के तरफ से, तो आप क्या देंगे? मैं यही दूंगा कि लोग आर्य समाज में आकर जुड़ें और हिंदू धर्म की रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और बहुत ही अच्छा उन्होंने वक्तव्य दिया अपना। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज 72। मैं रविंद्र राजपूत, कैमरामैन नवीन के साथ, रायपुर।